आज हम बनाने वाले हैं समर स्पेशल ठंडा ठंडा और साथ में बहुत ही डिलीशियस वाटरमेलन मिल्क शेक। और फ्रेंड्स, इस वाटरमेलन मिल्क शेक को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार भी हो जाता है। और साथ में फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो चलो जल्दी से हम इस तरह का वाटरमेलन मिल्क शेक बनाना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाजू में बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी प्रेस कर दीजिए। वाटरमेलन मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वाटरमेलन। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप जितना कट किया हुआ वाटरमेलन ले लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहले से अच्छे से कट कर लिया था और इसके सारे बीज को निकाल दिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1/3 कप जितना बारीक कट किया हुआ और वाटरमेलन ले लिया है, जिसको हम लास्ट में गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। साथ ही में हम यहाँ पर सब्जा सीड्स को भिगोएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बाउल ले लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना सब्जा सीड्स। साथ ही में हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना पानी। अब हम सब्जा सीड्स और पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसे साइड में रख देंगे ताकि हमारा सब्जा सीड्स जो है वो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। तो चलो जल्दी से हम मिल्क शेक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वाटरमेलन मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह का एक बड़ा वाला मिक्सी जार ले लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे वाटरमेलन के पीसेस। तो यहाँ पर हम 1.5 कप जितना वाटरमेलन का पीसेस डाल देंगे। साथ ही में हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर हम 3 टेबलस्पून जितनी चीनी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हो। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप जितना दूध। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ठंडा दूध लिया है। अब हम यहाँ पर इस मिक्सी जार को कवर कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और थोड़ी देर के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो गई है। तो हमारा वाटरमेलन मिल्क शेक बनकर तैयार है। तो चलो इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का 2 सर्विंग ग्लास ले लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कट किया हुआ वाटरमेलन। तो इसी तरह से हम दोनों ग्लास में वाटरमेलन डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें डालेंगे सब्जा सीड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जितना सब्जा सीड्स पसंद है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद हम इसके डालेंगे हमारा ठंडा ठंडा वाटरमेलन का मिल्क शेक। तो इस तरह से हम दोनों ग्लास को मिल्क शेक से अच्छे से फिल कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर फिर से डालेंगे वाटरमेलन के पीसेस। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, वरना आप इसे स्किप कर दीजिए। इसके बाद हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा सब्जा सीड्स डाल देंगे ताकि दिखने में ये और भी टेम्पटिंग लगे। और देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हम दोनों ग्लास को वाटरमेलन स्लाइस से गार्निश कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा समर स्पेशल ठंडा ठंडा और साथ में बहुत ही डिलीशियस वाटरमेलन मिल्क शेक बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस समर में इस तरह का वाटरमेलन मिल्क शेक घर पर जरूर बनाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।